हेलो गाइस, दोबारा से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन मीडिया एक्सप्रेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आप सभी की फेवरेट सीरियल यानी कि अनुपमा के अपकमिंग स्टोरी के अपडेट के बारे में। दोस्तों माफ करना, एक दिन का अपडेट हम नहीं दे पाए यानी कि कल का, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। हम बात करते हैं आने वाली यानी अपकमिंग स्टोरी के बारे में, तो जहां आप लोग को देखने मिलेगा वनराज और माया परेशान है क्योंकि अनुज और अनुपमा अभी तक घर नहीं लौटे हैं। दोनों ही सोच रहे हैं कहीं अनुज और अनुपमा एक दूसरे से मिले तो नहीं, और कहीं उन्होंने एक दूसरे को यानी कि अनुज ने अनुपमा को सच्चाई तो नहीं बता दी। वहीं सभी परेशान है और दूसरी ओर अलग अलग बातें कर रहे हैं। तभी अनुज और अनुपमा साथ ही शाह हाउस में एंट्री लेते हैं। देखना बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि क्या अनुज और अनुपमा ने कोई नया फैसला लिया है जिससे कि माया की परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि हमें तो पिछले एपिसोड्स के एंडिंग में देखा गया था कि अनुपमा एक साइड जा रही है और अनुज एक साइड जा रहा है। दोनों साथ में आ रहे हैं, इसका मतलब शायद उन्होंने कुछ प्लान किया होगा या फिर कुछ बातें की होंगी। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू स्पॉयलर्स हमें ये भी बात जानने मिल रही है कि अनुज और अनुपमा माया से एक चैलेंज करने वाले हैं, यानी कि उसे चैलेंज देने वाले हैं। देखते हैं अब क्या माया चैलेंज एक्सेप्ट करेगी, क्या वो अनुज को अनुपमा का होने से रोक पाएगी या फिर अपना बना लेगी। देखना बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि क्या होने वाला है आगे। इसी तरह और भी अपकमिंग स्टोरीज अपडेट्स और स्पॉयलर्स जानने के लिए हमारे चैनल इंडियन मीडिया एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। हाँ, अगर आप लोगों को लग रहा था ये वीडियो बहुत छोटा था, तो दोस्तों मेन इंपॉर्टेंस जो लगा आप लोगों को बताने के लिए यानी कि अपकमिंग स्टोरीज में जो आ सकते हैं तो वो मैंने आपको बता दी। बाकी तो स्टोरीज को थोड़ा खींचेंगे यानी कहानियों को, तो आप लोग का टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसके लिए जो कि मेन अपडेट्स थे आपको बता चुका हूँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में किसी नई लेटेस्ट अपकमिंग स्टोरी के साथ, और कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हो सकता है आगे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।